महाराष्ट्र के उल्हासनगर में शुक्रवार देर रात बीजेपी विधायक गणेश गायकवाड़ ने कथित तौर पर शिवसेना नेता महेश गायकवाड़ को गोली मार दी। गोलीबारी ही लैंड पुलिस स्टेशन में एक वरिष्ठ पुलिसकर्मी के कैबिन के अंदर हुई, जहां दो राजनेता और उसके समर्थक लंबे समय से चले आ रहे भूमि विवाद पर शिकायत दर्ज कराने के लिए एकत्र हुए थे। इसके बाद पुलिस ने आरोपी विधायक को तुरंत हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया। भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ और शिवसेना के शहर प्रमुख महेश गायकवाड़ के बीच बीते काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते दोनों नेता और समर्थक हिल लाइन पुलिस स्टेशन थाने में जमा हो गए। इसी दौरान दोनों गुटों में बहस तेज हो गई और पुलिस स्टेशन के भीतर हुई फायरिंग में भाजपा विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिवसेना गुट के नेता महेश गायकवाड़ पर गोलियां बरसा दी। इस गोलीबारी में महेश गायकवाड़ और सिंधे समर्थक राहुल पाटिल बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए रात 11 बजे उल्हासनगर के मीरा अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के बाद दोनों नेताओं को ठाणे के जुपिटर हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। सूत्रों की माने तो महेश को विधायक गणपत गायकवाड़ ने कुल 4 गोलियां मारी हैं। और यहां पर फोन पर बात करते हुए गणेश गायकवाड़ ने कहा कि घटना पर कोर्ट का जो भी फैसला करेगा उन्हें वो यहाँ पर स्वीकार होगा। एक चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नाथ शिंदे के खिलाफ भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि शिवसेना प्रमुख के शासन में अपराध बढ़ गए हैं। गायकवाड़ ने यह भी आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे भाजपा के साथ विश्वासघात करेंगे। बीजेपी विधायक ने कहा एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को धोखा दिया और वह बीजेपी के साथ भी वैसा ही धोखा करने जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे ने मुझसे भी लाखों रुपए हड़पे हैं। इस घटना के संबंध में अदालत जो भी फैसला करेगी उन्हें स्वीकार रहेगा। गोलीबारी की इस घटना पर डीसीपी सुधाकर पठारे ने कहा महेश गायकवाड़ और गणपत गायकवाड़ के बीच किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा था और वह शिकायत देने के लिए पुलिस स्टेशन आए। उसी समय दोनों के बीच बहस हुई और गणपत गायकवाड़ ने महेश गायकवाड़ और उनके लोगों पर गोली चला दी, जिसमें दो लोग घायल हुए और जांच अभी इसकी जारी है।